कई लोग मोदी जी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो एक खास कौम का भला नहीं चाहते। उन लोगों को आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना चाहिए। हाल ही में हुए G20 समिट में दिलशाद हुसैन नाम के एक व्यक्ति की चर्चा खूब हुई। दिलशाद हुसैन यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं और वो कई सालों से पीतल के बर्तनों पर अपने हाथों से नक्काशी का काम करते आ रहे हैं। और इस साल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दिलशाद जी ने अपने बर्तनों का स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ मोदी जी भी स्टॉल देखने आए हुए थे। इसके बाद अचानक से एक दिन दिलशाद जी को कॉल आता है कि मोदी जी को आपका ये काम और ये कला बड़ी पसंद आई है और वो आपका बनाया हुआ एक पीतल का मटका जर्मनी के चांसलर को भेंट में देना चाहते हैं। इस साल जब G20 समिट का आयोजन किया गया तो इसमें दिलशाद जी को भी अपने बर्तनों का स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। गाइस, दिलशाद हुसैन जैसे लोग उन लोगों के लिए उदाहरण है जो कि ये बोलते हैं कि मोदी जी एक खास कौम के विरोधी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या भारत के केरल में कोरोना से भी खतरनाक एक और वायरस फैल रहा है? खतरनाक इसीलिए क्योंकि इसकी चपेट में आते ही इंसान 48 घंटों में कोमा में चला जाता है। और अभी तक केरल में इस नए खतरनाक वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 5 केसेस मिल चुके हैं। उस खतरनाक वायरस का नाम है नीपा वायरस। अब ये क्यों फैलता है और इससे आपको कैसे बचना है, इसके लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। WHO की माने तो नीपा वायरस एक जूनोटिक बीमारी वाला वायरस है, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। खास करके सुअर और चमगादड़ के जरिए ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। नीपा वायरस न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। साल 2018 में पहली बार भारत में नीपा के केसेस पाए गए थे। इस बीमारी में सर्दी, खांसी, सरदर्द, बदन में अकड़ाव रहता है और दिमाग में सूजन भी आने लगती है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। इससे बचने के लिए जिस पेड़ पर चमगादड़ रहते हैं उसके फल खाना अवॉइड करें, सुरक्षित रहें और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी प्रलय आ गई या फिर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इस धरती का क्या होगा? क्या हम इसे फिर से रहने लायक बना पाएंगे? तो रुक जाइए, इसका इंतजाम हो चुका है। आर्कटिक महासागर के दूर दराज के एक द्वीप पर बहुत ही सुरक्षित तहखाना बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रहालय भी है, जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा फसलों और उसकी प्रजातियों को संग्रहित किया गया है। ये इतना सुरक्षित है कि अगर कोई आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होता है तो उस तहखाने को कुछ भी नहीं होगा और मानव जाति को फिर से फलने और फूलने का एक मौका मिल जाएगा। उस सबसे सुरक्षित संग्रहालय का नाम है स्वालबोर्ड सीड वॉल्ट। सो गाइस, घबराने का नहीं, क्योंकि हमने अपनी इस प्यारी सी धरती को किसी भी आपदा से बचाने का काम शुरू कर दिया है।